अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो चुके हैं अपने फार्म पर, और बड़े दिनों बाद हम आए हैं और सूरत हाल दिखाते हैं कि फार्म पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आपने देखे, हाँ तुम कर लो, पहले तुम कर लो। कर लिया, शुरू करूँ मैं? ठीक है भाई, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आप भी आए तो हम भी आए। चले वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज घोड़े बाहर निकाल दिए हैं, कबूतर को उस तरफ कर दिया है, सारे जानवर बाहर निकले हुए हैं। क्या क्या हो रहा है, राशिद भाई ने क्या क्या चेंज कर दिया है जानवरों के साथ, और फार्म पर कौन आया कौन गया, तो सारी चीज़ें होने वाली हैं। बने रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका भाई ऐसी ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियो बनाता रहेगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चले भाई और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुल्तान की तरफ से शुरू करते हैं, और राशिद भाई अपने सफाई कर रहे हैं। और भाई मैं पहले सुल्तान को दिखा दूँ सारी, एक एक करके वीडियो बताऊँगा, बीच बीच में डालूंगा ना तो गिच पिच हो जाएगी, ठीक है। तो सुल्तान आ जाओ बेटा, ये देखें भाई हमारा सुल्तान, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा भाई, माशाल्लाह चीज़ को देख के। ज़रूर आप किसी जानवर को देखें या बहुत ही खूबसूरत चीज़ को देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये देखें मोहब्बत, देखें ये देखें, हाय माशाल्लाह, पिंक नोज़ में नुकरा, प्योर चांदी नुकरा, और माशाल्लाह देखें बॉडी स्ट्रक्चर, देखें डबल बॉडी का। गुड़ अभी खिलाता हूँ गुड़ ना, देखें आपको पता होगा इसके पार्टीशन हमने अलग कर दिए थे और बड़ा मजबूत हो चुका है। अभी सीन बताता हूँ बादल ने करा क्या है। पहले हम अपने सुल्तान को दिखा दें, देखें भाई जब ये बड़ा होगा ना, जब इसके ऊपर सवारी की जाएगी फिर अपना रंग दिखाएगा ये। हाँ हाँ, प्यार कर रहा हूँ बेटा नहीं प्यार कर, ऐसे नहीं करते। चलो अच्छा भाई, बादल ने दिखा, अब आप सोच रहे होंगे बादल कहाँ गया भाई, बादल कहीं नहीं गया। क्यों भाई राशिद भाई, बादल कहीं गया कोई है? अब ये देखें भाई, बादल का ना सुल्तान के साथ और बादल के साथ हो रही थी नाइंसाफी, क्योंकि सुल्तान का छोटा पार्टीशन था और बादल का पार्टीशन बड़ा था ना। सही भाई अर्शिद भाई, सब यही कह रहे थे बादल को बड़ी जगह दी हुई है, सुल्तान को छोटी जगह दी हुई है, लेकिन भाई कोई ऐसा नहीं है, सब बराबर हैं घोड़े इसमें, ठीक है। तो सीन ऐसा था कि सर्दी की वजह से उसका तो पार्टीशन होना था छोटा, जब सर्दियाँ बढ़ गई हैं तो ये पार्टीशन कर दिया बंद। अब वो एक और खाता आ गया, एक और घोड़ा आ सकता है वहाँ पर खुलने के लिए, जैसे बच्चे वगैरह। तो अभी तो हमारे प्रॉपर पूरी जगह है और भी खाली, और घोड़े आ सकते हैं ऐसे ही राशिद भाई हैं, अभी और घोड़ों की जगह है और आ सकते हैं ना। और भाई इसने क्या करा, ये पूरा तोड़ दिया था। बादल की मस्तियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि जो बाज देख रहे ना अब इतने मोटे, ये दांतों से तोड़ के लाते मार के गिरा देता था। ये नहीं कि अग्रेसिव है, मारता, वो सिर्फ अपना मस्ती, क्यों राशिद भाई मस्ती करता था इस वजह से उसका। जब राशिद भाई बकौल राशिद भाई के, क्यों करता था ऐसे आप बता दें भाई, जब वो दाना दो टाइम दे रहे हैं ना तो फिर खून माशाल्लाह बढ़ गया इसका। अच्छा माशाल्लाह, तो इसलिए मस्ती करते हैं थोड़े। देखा आपने, तो आप समझ रहे होंगे मैं कह रहा हूँ, तारीफें कर रहा हूँ, नहीं भाई आप राशिद भाई से पूछें जो इनके ट्रेनर हैं रखवाले हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि सर्दियों में दिया जाता है इनको दो दफ़ा राशन, और राशन के बावजूद इनको चलता है दूध, जो कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा। तो बहुत ही मुख्तलिफ वंडा है, मैं बोलता रहता हूँ लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ वीडियो, वनडे की इंशाल्लाह बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताते ही नहीं है कि आप फहीम भाई आप ज़रा वनडे शनडे की भी वीडियो बनाए, तो आपका भाई क्यों नहीं बनाएगा, आप लोग बोलेंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। पार्टीशन कर दिया, अब देखें दरख्त की जो लकड़ियाँ होती हैं ना उससे बनाया ये माशाल्लाह से। और अभी आपको दिखाते भी हैं कि बादल ना चलाइए, तो बादल को भी दिखाते। और ये देखें भाई, हमने जो बताया था खोले वगैरह बन चुकी हैं, और हमारी परी शहजादी और शहजादा बाहर निकले हैं माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, देखें भाई कितने ही प्यारे लग रहे हैं। अंदर तो आपको छोटे लग रहे होंगे, परी को देखें, परी के यहाँ से हो गया था जख्म, जो मैंने पहले भी बताया हो आपको, नहीं बताया हो, इनको कर रहे थे सवारी कर रहे थे इनको ऊपर ना सुबह 7 बजे। तो ये इसके ये देख रहे स्पॉट, तो यहाँ पर शहजादी ने मार दी थी लात, तो इससे हो गया था क्योंकि नाल लगी हुई थी तो जख्म हो गया था। तो तकरीबन 10-12 दिन हो गए हम इसके ऊपर नहीं बैठ रहे,
तो इस वजह से ज़ख़म था। तो माशाल्लाह से अब देखें सेट भी हो चुकी है, इंशाल्लाह अगले संडे को या फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को हम इसके ऊपर सवारी भी करेंगे। हाँ क्या हो गया, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाई। ये देखिए कितनी प्यारी और सेहतमंद घोड़े, सारी जो मेहनत है राशिद भाई की है, राशिद भाई सब अकेले कर रहे हैं। और ज़ुबैर का भी बता दो, ज़ुबैर कहाँ गया। और हमारा ये देखें शहजादा, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह देखें भाई। और अभी ये बच्चा है ये देखें, लेकिन माशाल्लाह इसकी हाइट, जोड़, टांगे, कमर सब में बराबर। और रेस पे मैं तो कहता हूँ इसे रेस पे रेस क्लब लेके चलते, कराची रेस क्लब में ना थोरो ब्रेड भागते हैं वहाँ पर ना, तो इसको भी ले चुके चलते, ट्रॉफी लेकर ही आएगा। मैं बात करते हैं रेस क्लब में लगवाते हैं इसे, ठीक है। और ये VVIP भाई, मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि सबसे आगे हमारा शहजादा। तो फिर क्या सोचे, रेस क्लब में इसको दौड़ाए नहीं दौड़ाए भाई, आपको बता हुआ कराची रेस क्लब जहाँ पे घोड़ों की रेस होती है, तो वहाँ पर ऐसा सीन है, ठीक है। जानवर धूप में बंधे हुए सारे खुले माहौल में, हमारी मामा काओ 1, मामा काओ 2, मामा काओ 3, ठीक है। तो ये मस्ती में बिल्कुल सही है। और अब दिखाते हैं बादल भाई, बादल ये रहा, बादल की भी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, बादल की बहुत मस्ती आई हुई थी, बहुत ही मस्ती आई हुई थी। राशिद भाई फ्री एंड हुआ था इसको, है मैं कह रहा हूँ मस्तियाँ ख़त्म कर रहा हूँ अब इसकी है। राज बगौल राशिद भाई बोले बड़ा हो रहा है, तो इसकी शुरू हो चुकी है ट्रेनिंग। तो इन रोज़ आना, ये ऐसे ही करा बांधा करेंगे, अभी सिर्फ पिछाड़ी और आगे की मोरा जो होता है, काठी वगैरह अभी तो सवारी कर भी नहीं सकते। तकरीबन 1 साल सवारी नहीं होगी इसके ऊपर, है 1 साल बिल्कुल सवारी नहीं होगी। और जब 1 साल बाद आप रोज़ाना ही देखेंगे, वैसे मैं दिखाते अपडेट देता रहता हूँ, तो इंशाल्लाह हाइटेड 62-63 इसकी हाइट होगी और बेहतरीन सवारी में काम आएगा ये माशाल्लाह। बाल देखें, बॉडी देखें, कबूतरा कहलाता है ऐसा कलर, कबूतर नस्ल। और ये है इंग्लिश, इसका जो भाप बाप था वो है भार का और माँ देसी थी, तो इंग्लिश ब्रीड कहलाता है ये, ठीक है। थोरो तो वो है, ये इंग्लिश ब्रीड है, मेरे इसके बाप का कहाँ गया था नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कबूतरा कहलाता है, ठीक है। और बाकी मामा काओ वगैरह आराम, हाँ नहीं आ रहा भाई, क्या होगी क्या होगी, किस बात की टेंशन है भाई, मैं यहीं कहूँ आराम करनी है सारी। देखे बबली 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 यार, थोड़ी सुखड़ जाती है, आपको पता हो सर्दियों में, जैसे आपको पता है सर्दी ठंड की वजह से थोड़े से जानवर सुखड़ भी आते हैं, और सर्दियों में चलता भी घी है वैसे, और जो जो मंडा जब सर्दियों में चलता है उसका जो असर निकालता है वो गर्मियों में निकालता है, आपको पता हो या ना हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ठंड के मारे सुखड़ी पड़ी है क्योंकि मामा का हुआ ये। अब ये देखें भाई इनका बच्चा देखें, मामा का 1 का पहली जो मामा का है, चलो 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 ये भाग जाते हैं, ये टर्की बर्ड बहुत तंग करते हैं इन लोगों को। और माशाल्लाह सेहतमंद है, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा भाई, सेहतमंद हुआ हुआ है। और ये देखें इसकी मस्तियाँ भी खुलवाते चेक करवाते, ये देखें बहुत बहुत ताकत है, चार्ज हुई अभी बैठी, चार्ज हुई बताओ खुलना है क्या, घोड़ों के पास जाओगे यार, देखा बोल रहे हैं मुझे घोड़ों के पास, घोड़ों के खोलते भी इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि घोड़ों के पास चले जाते हैं और टांगे चलाते हैं, उनके लिए मस्ती हो जाएगी, इसके लिए नुकसान हो जाएगा। और लाली भाई क्या कर रहे हो, छोटी दुनिया इसका नाम नहीं रखा हुआ हमने, उसका नाम छोटी दुनिया है। बंटी खैरिये। और हमारा बबलू माशाल्लाह सेट चल रहे हैं सारे, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और पलाई सर्विस भी अवेलेबल है भाई, जो लोग पलवाना चाहते हैं 2023 के लिए, और न्यू एंट्रीज़ मैं बोल रहा हूँ होंगी तो होंगी, ठीक है, मायूस मत होइएगा कि फहीम भाई न्यू एंट्रीज़ का कहते रहते हैं, ठीक है, न्यू एंट्रीज़ होंगी। अच्छा ऐसी वैरायटी आपने देखा किसी फार्म पर, घोड़े भी मिलेंगे, गाय भी मिलेगी, कबूतर बोला बछड़े भी मिलेंगे, मुर्गे भी मिलेंगे, टर्की बर्ड्स भी मिलेंगे, कबूतर भी है भाई, जंगली कबूतर इन्होंने रखा हुआ है, रेस्क्यू करा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें। और आज की ये अपडेट थी भाई।